आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक दो रोज तक जारी रहने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशावराना और तंजीमी अमूर का तफसीली जायजा, दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक लड़ने और इस लानत को खत्म करने का अज़्म किया गया। कोर कमांडर्स ने अज़्म किया कि अवाम की उमंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। चौधरी अशरफ को 53 साल पुराने केस में गिरफ्तार करने पर अफसोस का इजहार। दहशतगर्दी वाक़यात में शहीद अफराद के लिए फातिखानी, अमन अमान की सूरत हाल पर समझौता ना करने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म बोले, तवानाई बचत प्लान के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत को जल्द मुकम्मल किया जाए। ईंधन की मद में इम्पोर्ट बिल में कमी के लिए तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद नागुजीर है। We stood with the people of Kashmir and we broke all relationship with India, and that has remained up to this point. It's the case now that we actually have broken relationship with India, and at every international forum we have tried to put pressure on them. अपने दौर में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पूरी दुनिया को बताए। भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी अपने हक के लिए डटे हुए हैं। जल्द या देर में भारत को कश्मीरियों का हक देना होगा। पाकिस्तान के एटमी असासे 22 करोड़ आवाम की हिफाजत के लिए हैं। मुसलमान ममालिक को उम्मा के लिए मुतहद होना होगा। पाकिस्तान को रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चेयरमैन PTI इमरान खान की तुर्की के स्कॉलर्स और तलबा से गुफ्तगू। फॉरेन एजेंट ने कश्मीर का सौदा किया, मुल्क के मफादात बेचे। फॉरेन एजेंट चोर मुल्की तारीख का बदतरीन और नाकाम तरीन तजर्बा था। इम्पोर्टेड टोले और फॉरेन एजेंट को पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंक दिया। वफाकी वजीर इतलात मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, बोली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराएं, क्या तकलीफ है, इस्तीफा दें, खतों का बहाना क्यों बना रहे हैं, उनकी वजह से मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत ज़राई शोबे की तरक्की के लिए दिए गए तारीखी किसान पैकेज का जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, किसान पैकेज पर अमल दरामद तेज़ किया जाए। ज़राई शोबे की तरक्की पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी की ज़ामिन है। किसानों को जिनास की पैदावार बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों की फराहमी यकीनी बनाएं। हमें हर हाल में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। किसान पैकेज पर अमल के लिए नौजवानों के लिए कर्जा स्कीम और सूद पर छूट दी जाए। सिंध का सूबा जो था वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था सैलाब में, उसके बाद बलोचिस्तान था, उसके बाद KPK था, उसके बाद पंजाब था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पंजाब में बहुत कम नुकसान हुआ और KPK में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उन भाइयों के साथ भी हमें पूरी हमदर्दी है। इसी तरीके से सिंध के तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कुछ 23 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो मतलब बेशुमार क्रॉप्स ऐसी हैं। मसलन कॉटन है, कॉटन 100% तबाह हो गई है। खजूर है, खजूर 100% तबाह हो गई है। वफाकी वजीर गजाई तहफ़ुज़ और तहकीक तारिक बशीर चीमा कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों के लिए ज़रई कर्ज़ों में खातिरख़्वाह इजाफा किया। ज़रई कर्ज़ों में 400 अरब रुपये का इजाफा किया गया। कोशिश है पैदावार इतनी हो कि गंदम दरामद ना करनी पड़े। DAP वाफिर मकदार में मौजूद, कीमत में भी कमी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी काश्तकारों के वफूद से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत तंबाकू की गैरकानूनी नकलो हरकत और टैक्स चोरी के हवाले से इजलास। ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, सिगरेट साजी के शोबे में स्मगलिंग और टैक्स चोरी की फौरी रोकथाम की जाए। FBR टैक्स अहदाफ की वसूली यकीनी बनाए। टैक्स चोरों को कानून के कटहरे में लाया जाए। जदीद टेक्नोलॉजी से बेहतर इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स वसूली का निज़ाम बेहतर करें।
ये हमारी SECP बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो मेरा फोकस सितंबर के आखिर में मैंने जब जिम्मेदारी संभाली 28 सितंबर को, तो जो एरियाज मैंने आइडेंटिफाई किए विच नीड इमीडिएट अटेंशन इज द कॉर्पोरेट सेक्टर, स्टॉक चेंज एंड द SECP. आपके मुल्क में या किसी भी मुल्क में जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रेगुलेटर है उसका सेंट्रल बैंक है, विच इन पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. हम मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए कोशा है, विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब. बोले, हमें कॉरपोरेट सेक्टर पर तवज्जो देने की जरूरत है. जिम्मेदारी संभाली तो तवज्जो स्टॉक मार्केट पर मरकूज थी. बदकिस्मती से माजी में स्टॉक मार्केट पर तवज्जो नहीं दी गई. मुल्क के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं. बिजनेस कम्युनिटी का मुल्की तरक्की में किरदार अहम है. IMF प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे. गवर्नमेंट का खजाना क्या होता है? टैक्स. क्या हम टैक्स देते? आज अगर हुकूमत कहती है कि हमने सख्ती से टैक्स वसूल करना है, क्या आप करने देंगे? मैं करने दूंगा. पाकिस्तान के अंदर कारोबारी तबका करने देगा? IMF के साथ मुआहदे करके आप सख्त किस्म के फैसले कर गए कि हमने टैक्स लगाने हैं. हमने मुश्किल फैसले किए हैं. मुशीर अमूर कश्मीर कबर जबान कायरा कहते हैं, हुकूमत सख्ती से टैक्स वसूल करना शुरू कर दे तो क्या आवाम देंगे? सरमायादार कहता है, मैं पैदावार बढ़ाता हूं तो मुझे राय दी जाए. पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है. कहा जा रहा है मुश्किल फैसले करना होंगे. मुआशरे में यूटर्न बड़ा हथियार बन जाए तो उसका क्या हो सकता है? मुल्क में तब्दीली के लिए हमें इज्तमाई तौर पर बदलने की ज़रूरत है. दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ जहाँ जागीरदारी निज़ाम ना हो. स्टेट बैंक का ज़र मुबादला के सख्त कवायद जवाबित को मखसूस शोबों के लिए नरम करने का ऐलान. गाड़ी के पुर्जों, एनर्जी सेक्टर के पुर्जा जात की दरामद के लिए पेशगी मंजूरी की शर्त खत्म कर दी. स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के मजाज डीलर्स को दरामद की जाने वाली अशिया के लिए इजाज़त नहीं लेनी होगी. ज़र अल्तवा दरख्वास्तें डीलर्स को वापस कर दी जाएंगी. हिदायत का इतलाक 2 जनवरी से होगा. दिवालिया की निशानी ये होती है कि जब आपके कारखाने बंद होना शुरू हो जाए. दिवालिया की निशानी ये होती है कि जब आप अपने बैंक से अपने जमा कराए हुए डॉलर जो है जब मांगने जाएं तो आप 2 दिन बाद ले लें, आप 3 दिन बाद ले लें. दिवालिया वो होता है कि जब आप मुल्क में दरामद करना चाह रहे हो कोई चीज़, आपको बैंक अपने अंदर घुसने ना दे. लेकिन अगर आप वो सोचें बेरोज़गार करके घर बिठा दें तो सस्ती चीज़ भी आपके लिए महंगी हो जाएगी. कारखाने बंद होना और वक्त पर अदायगी ना होना दिवालियापन की निशानी है. PTI रहनुमा मुजम्मल असलम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस. बोले, मुल्क के रिजर्व 6 अरब डॉलर के रह गए. हर हफ्ते 50 करोड़ खर्च हो रहे हैं. 1 से 2 माह में रिजर्व खत्म हो जाएंगे. लोग रोजगार ना होने की वजह से परेशान हैं. आटा मजीद महंगा होने से घरों में फाके चल रहे हैं. इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं. डॉलर्स की कमी आ चुकी है. बिजली के बिल, माल की सेल ना होना और खाम माल की इम्पोर्ट ना कर पाना जो है वो मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से आज इंडस्ट्री आपकी नहीं चल रही. ये एक नॉन फंक्शनल रिजीम है जो इस वक्त चल रही है. मईशत आपकी बतदरीज बिगड़ रही है. लोगों के अंदर इतनी मायूसी है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते. तहरीक इंसाफ के रहनुमा अदहमाद अजहर कहते हैं, मई और जून में PM हुकूमत ने ज़रूरत से ज़्यादा तेल खरीदा. हुकूमत के पास गैस खरीदने के लिए डॉलर्स नहीं. मुल्क में कभी ऐसा तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ. मौजूदा दौरे हुकूमत में तवानाई का शोबा तबाह हो गया. बाकी तजुर्बों की तरह PDM का तजर्बा भी नाकाम रहा. गैर संजीदा तौर पर हुकूमत को चलाया जा रहा है. मुआशी हालात मजीद बिगड़ेंगे. हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं. ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी. तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई. फवाद चौधरी फोन कॉल पर शहबाज शरीफ को दोस्त के जरिए पैगाम दे रहे हैं.
फवाद चौधरी ने कहा सियासी जमातें आपस के सियासी मामलात के लिए फौज के कंधे इस्तेमाल ना करें, आपस में बैठें और मामलात पर बात करें। सियासतदानों को आपस में फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, इमरान खान को नहल कर दें तो रोला पड़ेगा। असेंबली से मुस्ताफी होने पर स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ और तहरीक इंसाफ के वफद के दरमियान मुलाकात तय पा गई। मुलाकात आज सुबह 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगी। जराए के मुताबिक मुलाकात में इस्तीफों की तस्दीक का तरीकाकार तय किया जाएगा। इमरान खान की पीटीआई और काफली की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में अराकीन की 100% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। 2 जनवरी को बुलाए जाने वाले इजलास में हाजिरी के हवाले से उस्मान बुजदार को टास्क सौंप दिया गया। जराए के मुताबिक मोनिस इलाही को भी अपने 10 अराकीन की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एतमाद के वोट के हवाले से फैसला होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से स्पीकर पंजाब असेंबली सत्यन खान की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असेंबली ने इमरान खान को पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आगाह किया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में और अराकीन से राब्तों के हवाले से भी मुशावरत। 11 जनवरी से कबल एतमाद का वोट लेने के हवाले से मुशावरत की गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से लाहौर प्रेस क्लब की नौ मुंतखब बॉडी की मुलाकात। इमरान खान ने नौ मुंतखब बॉडी को मुबारकबाद दी। इमरान खान बोले कबल अज़ वक्त इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। NRO2 लेने के बाद PDM ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने PDM को NRO2 दिया। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो लड़ाई है वो तो 1980 से पाकिस्तान में रियासत इन्वॉल्व है। यही तो झगड़ा है पाकिस्तान में सबसे बड़ा कि आपने किस हद तक इन्वॉल्व होना है, किस हद तक नहीं होना। मैंने आपसे ये कहा अफगानिस्तान के ऊपर सिर्फ इमरान खान है जिसकी लीडरशिप में वहाँ पर इज्जत है। नवाज शरीफ को, जरदारी को, तो इन लोगों की तो कोई इज्जत नहीं है ना इन लोगों को जो है, क्योंकि ये समझते हैं कि ये तो पपेट थे वहाँ पर अमरीकी रजीम के, और इसीलिए वहाँ पर जो नुकसान हुए वहाँ की लीडरशिप इनको बराह रास्त मुलव्वस समझती है वहाँ पे। और ये पूरी पॉलिसी सिर्फ वही है पाकिस्तान की अफगानिस्तान में इमरान खान की पॉलिसी है जो कामयाब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं चल रही तो आप अमेरिका से इंपोर्टेड टेक्नोक्रेट लाएंगे। टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनाने की बात मजाक है। मुल्क में इलेक्शन कराने के सिवा कोई चारा नहीं। अफगानिस्तान में किसी पाकिस्तानी लीडर की इज्जत है तो वो इमरान खान है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत बांझ है। फैसले करने वाले पाकिस्तान पर तजुर्बे करना बंद करते हैं। झूठ की सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत, गिराव जलाओ की सियासत, झूठे अल्जामात की सियासत। 6 महीने से सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं रहा, उसको हम आइन तोड़ के ज़बरदस्ती उसको फिर से वज़ीर आज़म बनाएं। तो मेरा ख्याल में इस किस्म का जो सियासी बयानिया है जमहूरियत के खिलाफ होता है, वो आमराना सोच होता है, गैर जमहूरी सोच होता है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इमरान खान चाहते हैं पार्लियामेंट मुद्दत पूरी न करे, जमहूरी तरक्की न हो। इमरान खान इक्तदार के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान झूठ, नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। इंतखाबात वक्त पर हुए तो इमरान खान के सहूलतकार किसी इदारे में नहीं रहेंगे। इमरान खान चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट में बैठे उनके सहूलतकारों की मौजूदगी में इलेक्शन हो। गवर्नमेंट ऑफ सिंध फराम करी वो आज भी 65 रुपये फी किलो है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा है सिंध जहाँ पे 65 रुपये फी किलो जो है वो आटा दिया जा रहा है, और ये फरामी मार्च तक जारी रहेगी जब तक हम
गंदम की नई प्रोक्योरमेंट ना कर ले, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्राइसिस नहीं है सिंध में। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, अराकीन की खरीदो फरोख्त का काम हमेशा पीटीआई ने किया, तहरीक इंसाफ का काम सिर्फ इल्जाम तराशी करना है, सिंध में आटे का कोई बहरान नहीं। बिलावल भुट्टो बेहतरीन तरीके से दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इलेक्शन में सबका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मुल्क की तबाही के जिम्मेदार इमरान खान, गुज़श्ता रोज़ कराची में पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल का वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया है।